दोस्तों आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप मासिक धर्म के रक्त से कर सकते हैं किसी को भी अपने वश में। आपकी प्रेमी हो या फिर आपके पति हो, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये जो वशीकरण का उपाय है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। महिलाएं अपने मासिक धर्म के रक्त से कर सकती हैं किसी को भी अपने वश में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने मासिक धर्म का रक्त यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है ताकि मैं आपको ये पूरा दिखाऊं कि किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले के लिए इसे इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो आप मासिक धर्म का जो रक्त होता है उसे इस तरीके से लकड़ी की सहायता से इसमें से निकाल लीजिए और इस तरह से मिट्टी के दिए में आपको इसे रखना होगा। इस तरीके से निकाल लीजिए और ये बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले दिन का होना चाहिए। तो पहले दिन का रक्त आपको इस तरह से ले लेना है और उसके बाद आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा लाल सिंदूर। लाल सिंदूर आप इसमें मिला लीजिए, चुटकी भर आपको मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। इस तरह से मिलाकर इसमें आपको मिलाना है गौमूत्र। गौमूत्र मिलाना है आपको, कुछ बूंदें डालनी है बस, ज़्यादा नहीं डालनी है ताकि ये इसको घोलने में आसानी हो। एक दो बूंद आप इसमें डाल दीजिए। और एक चीज़ जो इसमें इस्तेमाल होगी वो है लौंग। लौंग के ऊपर का जो फूल होता है उसे आप ले लीजिए और उसको आप एकदम चूरा करके इसके अंदर मिला दीजिए, पीस कर एक तरह से आप इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद अपनी जो रिंग फिंगर होती है उसकी सहायता से आप इसे मिला दीजिए अच्छे से। और दोस्तों जब आप इसे मिला रहे होंगे उस समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना है और इसे बिल्कुल गीला तिलक आपको बना लेना है। दोस्तों ये तिलक इतना ज़्यादा प्रचंड होता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जब आप इसे लगाएंगे अपने माथे पर, तो इसे लगाकर जब आप अपने प्रेमी या अपने पति के सामने जाएंगी तो आपके जो पति हैं वो आपके भक्त हो जाएंगे। मतलब उन्हें आपसे इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा, वो आपकी हर बात मानेंगे। इस तिलक का इस्तेमाल आप खुद लगाने के लिए कीजिए और अगर आप इसका इस्तेमाल अपने पति के माथे पर लगा देती हैं, इसे कर देती हैं, तो आपके पति को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि इसको आपको अकेले में करना है, किसी के भी सामने ये नहीं आना चाहिए कि आपने ये तिलक बनाया है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आपको इस तिलक का इस्तेमाल सही तरीके से करना है दोस्तों। तो इसे बनाने का जो तरीका है वो तो आपको मैंने बता दिया कि आपको जो पहले दिन का मासिक धर्म होता है उस दिन जो रक्त होता है उसका इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको बनाएंगे थोड़ी देर के बाद ही ये सूख जाएगा। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हों इसमें एक बूंद आपको गौमूत्र डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक बूंद डाल के आपको इसे मिला लेना है और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तिलक को प्रचंड वशीकरण में गिना जाता है। मतलब अगर आपने इस तिलक को लगाकर एक बार इसको लगा लिया तो आप समझ जाइए कि आपका जो प्रेमी है या आपका जो पति है वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करने लग जाएगा कि जो आप चाहती हैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। तो जो भी महिलाएं हैं जो इसे करती हैं, अगर उनके दिमाग में किसी भी तरह का कोई सवाल आता है, कोई भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहती हैं आप, तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकती हैं। हमारे इस वीडियो की स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप अपने सवालों का जवाब हमसे ले सकते हैं। दोस्तों एक बात के लिए मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि जो भी लोग हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नंबर लिख देते हैं उस नंबर पर कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो फ्रॉड लोगों के नंबर होते हैं और वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने नंबर वहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो उन नंबर्स पर कॉल बिल्कुल ना करें। इस उपाय को आप कर सकते हैं दोस्तों, इसका फल भी आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो आप इस उपाय को कीजिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।